नानक चिंता मत करो, चिंता तिसे ही है। जलम जंत उपायन तिन्हा भी रोजी दे, नानक चिंता मत करो। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं। मानवता का उद्धार करने आप धरती पर आए। आप जी ने अपने दोनों पुत्रों के होते हुए भी अपने प्रिय शिष्य अंगद देव जी को गुरुगद्दी की जिम्मेदारी सौंपकर सन 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में ज्योति जोत समा गए। हर वर्ष आपके ज्योति जोत दिवस पर संगतें गुरु घर आकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपकी लिखी हुई वाणी पढ़कर आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। गुरु जी को अपना अंतिम समय आता देख कहते हैं आपने बाबा बुड्ढा जी को अपने पास बुला लिया था। आपका परिवार और सारी संगत भी आपके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। सभी आपकी एक झलक पाने के लिए आतुर थे, परंतु आपने धैर्य बंधाते हुए सारी संगत को शब्द गायन और मूल मंत्र का पाठ पढ़ने को कहा। तब सारी संगत लगातार कीर्तन करती रही। गुरुजी अपने कमरे में एकांत में जाकर एक चादर ओढ़कर लेट गए और निरंकार के ध्यान में चले गए। कहते हैं उस समय सारी संगत ने गुरुजी के कमरे में एक अलौकिक प्रकाश चमकता हुआ देखा। गुरुजी की साखी में उल्लेख किया गया है कि मानो गुरुजी के दिव्य दर्शनों के लिए सारा देवलोक उत्सुक हो रहा था। कुछ समय पश्चात जब संगत ने गुरुजी के मुख से चादर हटाई तो क्या देखा कि गुरुजी का शरीर अलोप हो चुका था। अपने गुरुजी को ना पाकर सभी हैरान और भावुक हो गए। संगत में कुछ मुसलमान थे और कुछ हिंदू भाई थे। वे आपस में बहस करने लगे कि वे अपने रीति रिवाज से गुरुजी का संस्कार करेंगे। अंत में फैसला यह हुआ कि गुरुजी की चादर आधी आधी दोनों गुटों में बांट दी गई और हिंदुओं ने आधी चादर का हिंदू रीति से और मुसलमानों ने आधी चादर का मिट्टी में दबाकर संस्कार किया। हिंदू गुरुजी को अपना सतगुरु मानते थे, जबकि मुस्लिम उन्हें अपना पीर पैगंबर मानते थे। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन राय भोई की तलवंडी पाकिस्तान में माता तृप्ता देवी और पिता मेहता कालू जी के घर में हुआ, जो अब श्री ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। जब कोई अवतारी पुरुष धरती पर जन्म लेता है तब इसके पीछे कोई खास कारण होता है। कलयुग का आरंभ होने पर गुरु नानक देव जी समस्त प्राणियों का कल्याण करने, इंसानियत का पाठ पढ़ाने, सभी मनुष्यों को एक निरंकार के साथ जोड़ने के लिए धरती पर आए। आप जी का आगमन ऐसे समय में हुआ जब समस्त संसार के लोग झूठे आडंबरों, कर्मकांडों, जातिवाद, छुआछूत, रंग भेद, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों से बुरी तरह से जकड़े हुए थे। समाज में हर तरह से भेदभाव किए जा रहे थे और जुल्मों अत्याचारों का बहुत बोलबाला था। उस अत्यंत भयावह स्थिति में आप जी ने सभी प्राणियों को सही मार्गदर्शन दिया। पंडित गोपाल दास जी ने आपके जन्म के समय ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक ईश्वर की ज्योत है, जिसका जन्म असहाय, दुखी और कमजोर लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। आप जी का जन्म हिंदू खत्री परिवार में होने के कारण आपको जनेऊ धारण करना आवश्यक था, किंतु आपने पंडित को जनेऊ धारण करने से मना कर दिया और उसको ऐसा जनेऊ पहनाने के लिए कहा जिसके धागों में दया, संतोष और जत सत हो और जो कभी न टूटे, न कभी मैला हो, न कभी जले। इतने वचन सुनकर पंडित सुन हो गया। आपने केवल 9 वर्ष की आयु में खोखले रीति रिवाजों को जबरदस्त चुनौती दे डाली। आपके पिताजी ने आपको बचपन में विद्या हासिल करने के लिए गुरुकुल में भेजा, परंतु आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और आप आध्यात्मिक चिंतन में ही लगे रहते, जिससे आपके अध्यापक आपके इस रूप को देखकर हैरान रह गए। इस प्रकार आपके अध्यापक आप जी को स्वयं स्कूल से घर छोड़ने आए। उनका कहना था कि यह बालक तो इतना विद्वान है कि उसके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास भी नहीं हैं। बचपन से ही आप बड़े आध्यात्मिक और सुख सुविधाओं से दूर रहते।
आपके जीवन में बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई। तभी से आपको सभी लोग एक दिव्य शक्ति के रूप में जानते थे। आपके सभी मित्र जब खेल कूद में लगे रहते तो आप उनके साथ ना खेलकर बल्कि प्रभु साधना में लीन रहते। आपका यह रूप देखकर आपके माता पिता अक्सर चिंतित रहते। आपकी बड़ी बहन नानकी जी आपके इस परमेश्वर रूप को भली भांति जानती थी, परंतु आपके माता पिता आपको एक साधारण बालक ही समझते थे। आप जी की बचपन से ही धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि देखकर एक दिन उन्होंने आपको 20 रुपये देकर व्यापार में लाभ कमाने हेतु शहर भेजा। आप जी ने रास्ते में कुछ भूखे साधुओं को खाना खिलाकर खुद खाली हाथ घर वापस लौट आए। पिताजी के पूछने पर आपने उन्हें कहा कि वह 20 रुपये भूखे साधुओं पर खर्च करके एक सच्चा और खरा सौदा करके आए हैं। मेहता कालू जी को अपने बेटे से बड़ी निराशा हुई। कहते हैं जिस स्थान पर आपने साधुओं को भोजन कराया वह स्थान आजकल गुरुद्वारा सच्चा सौदा कहलाता है। किसी भी सांसारिक काम में अरुचि देखकर अक्सर आपके पिता के साथ आपकी अनबन रहती, जिसे देखते हुए आपकी बहन नानकी जी आपको अपने ससुराल सुल्तानपुर लोधी में ले आई। आपके बहनोई जयराम जी ने आपको सुल्तानपुर लोधी के मोदी खाने में नौकरी दिलवाई, जहां पर आप हिसाब किताब देखा करते और आपके खाते में हमेशा कुछ पैसे बच ही जाया करते तो आप गरीबों में बांट देते। इतिहास में दर्ज है कि आप जिन पत्थरों से अनाज तोलते थे और 13-13 कहकर सबको अनाज बांट देते। इस प्रकार आप सभी को निरंकार के साथ जोड़ते। वह पावन पत्थर सुल्तानपुर लोधी के मोदी खाने में आज भी मौजूद हैं। वहां पर आजकल गुरुद्वारा श्री हट साहिब स्थित है। 1487 ईस्वी में आपका विवाह माता सुलक्षणी देवी जी के साथ संपन्न हुआ, जिनसे आपको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। गुरु जी ने काफी वर्ष सुल्तानपुर लोधी में बिताए और रोज कालीबेई नदी में स्नान करने जाया करते। एक दिन जब आप स्नान करने के लिए नदी में कूदे तो कहते हैं कि आप 3 दिन तक नदी में ही रहे, जहां आपका ध्यान ईश्वर भक्ति में लग गया। भाई बालाजी की साखी में दर्ज है कि उस समय निरंकार ने आपको हुक्म दिया था कि संसार से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाए। इस प्रकार आप 3 दिनों के बाद उस नदी से बाहर आए। इस चमत्कार को देखकर लोग हैरान हो गए और इस तरह आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहते हैं सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपने मोदी खाने की नौकरी छोड़ दी। फिर भाई बालाजी और मर्दाना जी के साथ देश विदेश की यात्राएं करनी आरंभ कर दी, जिसका उद्देश्य था कि अंधविश्वास पाखंड का भंडाफोड़ करके लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखाया जाए। सारी दुनिया को आपने ज्ञान प्राप्ति का सही और सरल रास्ता दिखाया। आपने 974 शब्दों की रचना की, जिनमें जपजी साहिब, आसा दीवार, 12 महाबाणी, मूल मंत्र भी शामिल हैं। आपकी सारी वाणी को 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने एकत्रित किया और उसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया। आपने समस्त प्राणियों को मूल मंत्र जैसी महान वाणी प्रदान की, जिसका सार है ईश्वर एक है और समस्त जीवों की उत्पत्ति केवल एक प्रभु से होती है। और आपके कुछ उपदेश हैं जैसे सो क्यों मंदा आखिए जित जम मैं राजान, अर्थात स्त्री को कभी भी बुरा या अपवित्र नहीं कहना चाहिए, उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि उसने बड़े बड़े राजाओं को जन्म दिया है। इस तरह आपने स्त्री जाति को हमेशा सम्मान का दर्जा दिया। आपने अपनी वाणी में यह भी उपदेश दिया है कि ईश्वर एक है, हमें अनेक तरह के कर्मकांडों में न पड़कर केवल एक निरंकार के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। गुरुजी ने गृहस्थी में रहते हुए भी भक्ति पर जोर दिया और कहा कि जंगलों और वनों में एकांत स्थान पर भटकने पर कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि मनुष्य की भटकना तो और भी बढ़ जाती है। आपने बाहरी अपवित्रता को ना देखकर बल्कि मन की अपवित्रता को पवित्र करने पर जोर दिया।
आप जी ने पहले पंगत और फिर संगत का सिद्धांत चलाया। हर गुरु घर में आपकी यह चलाई हुई प्रथा अभी भी लगातार चल रही है। आप जी ने नाम जपो, कीर्त करो और वंट छको का उपदेश दिया। बाबा नानक जी एक संत पुरुष थे, उनकी दृष्टि सबको एक समान देखती है। अगर हम सभी इस भावना से गुरु घर जाएं और अपना सारा जीवन व्यतीत करें तो फिर हमारा मन ही गुरु घर बन जाएगा और अपने प्यारे गुरु जी के ज्योति ज्योत दिवस पर इससे अच्छी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। आपसे विनती है, अगर कोई गलती हो गई हो तो आप अपना सेवक समझकर माफ कर देना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।